किसी चीज से लाइट मारो जरा, इसमें दौड़ अपने उससे। रिकॉर्ड भी हुआ है। ये देखिए बाथरूम का लिया हुआ है, 4 दिन हुए मुझे लिए हुए और सिर्फ 2 दिन 3 दिन के यूज में देखिए इसमें वाटर लीकेज है। हमने इसमें हल्का सा नील डाला है जिससे ये कलर्स दिख सकें, तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें सिर्फ 3 पॉइंट की लीकेज है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, और अच्छा खासा लीकेज है। जबकि हमने यहाँ से टंकी बंद कर रखी है, इसका पानी वाटर सप्लाई बंद किया है और ये बिल्कुल नई है। कंपनी का नाम हमें अच्छा बताया था, सर्विस अच्छी बताई थी, उस बेस पे हमने इसको लिया, लेकिन अभी तो 3-4 दिन की यूज़ में ही ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि आप देख रहे हो वाटर लीकेज हो रहा है 3 जगह से। पहले एक जगह से शुरू हुआ, अब ये 3 जगह से हो गया है, तो मेरे ख्याल से टाइम के साथ इसका पड़ता ही जाएगा अगर इसमें प्रॉब्लम है। तो प्लीज़ इसको एक्सचेंज करवा दें या प्लम्बर आपका जो अपना कंपनी सर्विस से ठीक करा दें। बिल्कुल नया है, 4-5 दिन हुए लिए हुए, मतलब हफ्ता भर, लास्ट संडे इंस्टॉल कराया हमने। बाथरूम से आए ना आप लोग, तो बाथरूम से लिया था मैंने, दूसरे तीसरे दिन इसमें लीकेज 2-3 होल से आई है। फिर मैंने वहाँ कंप्लेंट दर्ज करी तो भाई साहब आए, सेम डे ही आ गए जिस दिन मैंने वीडियो डाली। क्या नाम भाई साहब? अरविंद। अरविंद ये आए हैं सही करने, तो ये बाथरूम का सर्विस उस हिसाब से तो फास्ट है। भाई साहब भी आ गए, सैटरडे की 8 बज रहे हैं फिर भी आए हैं अपना करने के लिए। मेरे में बैटरी खत्म हो गई ना, वो साइड वो भी दे दे। तो इनके हिसाब से इसमें वॉशर खराब था, लेकिन इन्होंने पूरा ये किट ही चेंज कर दिया है। हाँ दे देना बड़ा इसमें ना, ये मत समझना क्योंकि एक जगह में पुताई कर रहा था ना पेंट, उसकी छिट्टे पड़ गई थी मेरी नई किट पे, मेरे बैग पे भी पड़ी थी। अच्छा, अभी हाँ मुझे सोचे कि आप वो है बैग पे भी पड़ी मेरी पन्नी में। अरविंद भाई साहब? जी सर जी। अरविंद भाई साहब आए हैं, बाथरूम का चेक किया है और तुरंत आ गए, तो अब ये बताएंगे क्या प्रॉब्लम थी, क्या सॉल्व किया है। इसमें लीकेज की प्रॉब्लम थी सर जी, और ये हमारा जो रखा हुआ है वॉशर, ये साइफर गेट पूरी, इसमें एक मैच एक वॉशर खराब है, लेकिन उस वॉशर की वजह से आपको दोबारा समस्या का सामना ना करना पड़े, तो हमने पूरी किट चेंज कर दी। तो मतलब कंपनी आपसे अच्छा, ये कहती है कि कस्टमर को किसी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी यही बताया कि बैथरो एक अच्छी कंपनी है और सही सर्विस मिलती है, और इसी बात पे मैंने लिया भी था। तो चलिए सॉल्व हो गई प्रॉब्लम और आपने तुरंत सब कुछ करा, बाकी आप टेस्ट कर ही रहे हो। बिल्कुल सर। और ये शनिवार की रात 8 बजे बाद के आए हैं अपनी सर्विस देने के लिए, और देखिए नील डाला है जिससे कि यहाँ पे दिख जाए अगर कुछ भी लीकेज वीकेज हो, बाकी भी और दोबारा टेस्ट करेंगे, खड़े होकर देख ही रहे हैं। देखो आप दोबारा फ्लश करके या कैसे क्या देखना चाहोगे? कौन सा डॉक्टर? वो और हाँ 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 ये ले उसके यूज में मैं बता दूंगा, इसमें कई सारी सेटिंग होती है। मैंने इसका पानी भी एडजस्टमेंट कर दिया, कम से कम 1.5 लीटर पानी बढ़ा दिया पहले से। अच्छा ठीक है। और ये बटन है जो इसमें हल्की सी प्ले होनी चाहिए, नहीं होगी तो ये इस तरीके से पानी चलेगा। अब ये बटन टच हो गया उसमें। अच्छा ये सब सेटिंग करनी है। ये भी सेटिंग नहीं करी है। मतलब प्ले बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर जी, एकदम हर चीज प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा ये बहुत अभी भी इसमें प्ले नहीं है, हल्की सी प्ले चाहिए बटन में ना। ये तो बहुत मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता होगी ये बात, अच्छी बात बताइए। अब ये प्ले है ताकि ढक्कन हमारा जो रहे तो रोड हमारी अच्छी रहे। अब ये जो है सर मैंने पेपर भी डाल दिया इसका वो करने के लिए, ये इसकी वॉश डाउन काम कर दिया है। अब इसमें पूरा पानी अपना 6 लीटर का 6 लीटर दे दिया।
ठीक है, ये दोबारा भरना शुरू हो गया पानी फिर से। अब हम नीचे देखेंगे कि लीक तो नहीं है, अंदर की जितनी सेटिंग होनी थी ना वो प्रॉपर कर देंगे, इसमें ज्यादा बड़ी चीजें होती नहीं। नहीं ये आपने बताई आपके लिए बड़ी नहीं है लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी चीज के लिए। देखो सर, एक तो पूरा प्रेशर से बटन दबेगा, ये इतना भी नीचे नहीं होना चाहिए कि पार्टी को दबाना पूरा पड़ रहा है और दब कम रहा है, ठीक है। और ये इतना भी मतलब ऊपर नहीं होना चाहिए कि इसे बगैर दबाए ही पानी चलता है। अच्छा, ये देखो है छोटी सी चीज लेकिन दिक्कत तो काफी करेगी है अगर ना बताओ तो। अभी देख लीजिए सर जी, आप चेक कर लीजिए कैमरा पे, इसमें पानी निकल गया, इसमें अभी समय लीकेज नहीं है। आप फ्लैश भी चेक कर लेना फ्लैश चला के।